एवरीवन, सो गाइस कैसे हो? जो भी यूजर्स, जो भी फैंस, उन दोनों के टूटने की दुआ मांग रहे हैं कि अरे यार मुझे पसंद नहीं है, रश्मि आंटी है, उनकी जोड़ी मैच नहीं करती है। तो यार जिसकी जो किस्मत में होता है ना, जोड़ियां ऊपर वाली बनाती है, हम नहीं होते उसे तोड़ने वाले। और दे आर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उनकी चॉइस है कि वो किसके साथ रहे ना रहे, हम कोई नहीं होते उनकी जोड़ी तोड़ने वाले। मुझे ये जोड़ी बहुत पसंद है, बेस्ट लगती है, और रश्मि एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है। ये बिग बॉस हिस्ट्री में एक ऐसे कपल है जिनके बीच में बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, बहुत मेच्योर है। और मैं एक सबसे अच्छी बात कहूँगी कि ये दोनों बहुत एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है। शो ऑफ के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, गेम के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, गेम के लिए करते तो बहुत कुछ करते बिग बॉस के अंदर। तो रियल ट्रू फ्रेंडशिप है, आगे जाके जोड़ी बनती है इनकी, तो मैं बहुत खुश होने वाली हूँ रश्मि देसाई के लिए, उमर रियाज के लिए। और उमर रियाज को रश्मि देसाई से अच्छी कोई स्टेबल करने के लिए कोई बंदी नहीं मिले भी, कुछ रश्मि देसाई ने बहुत सारी इंडस्ट्री में इतने साल काम किए, उन्होंने सब कुछ देखा, वो उसको पता है कि कैसे काम करते हैं नहीं करते हैं, और इतने स्टेबिलिटी से बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो हेटर्स जो कमेंट करते हैं ना उन दोनों के लिए, ये उनकी चॉइस है, उन पर छोड़ देते हैं उनको क्या करना है, दोस्त रहना है, कपल बनना है। सो गाइज प्लीज़ प्लीज़ ऐसे आंटी वांटी मत लिखा करो यार।